हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ़ यूपीएससी प्रीलिम्स एंड दैट इज़ एन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सी इफ़ यू आस्क मी आउट ऑफ ऑल द पेपर व्हिच यू हैव टू मैनेज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स आई थिंक द एनवायरमेंट इज द मोस्ट टिपिकल वन सी आपको यूपीएससी में ये मेनली सात पेपर आपको टैकल करने होते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स यहां पे आप इन पेपर्स की बात करो तो इनका वेटेज यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा होता है वहीं आप इन पेपर्स की बात करो तो आर्ट एंड कल्चर नो डाउट इज़ अ टफ पेपर बट आपको पता नहीं होता है कि पेपर में कितने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आएंगे हो सकता है दो आए हो सकता है चार आए वहीं साइंस एंड टेक की बात करें इसके भी रिसोर्सेज बहुत स्कैटर्ड हैं बट इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपको साइंस एंड टेक के कैसे क्वेश्चन आएंगे प्लस काफ़ी क्वेश्चन साइंस एंड टेक के ऐसे होते हैं कि आपने उसको पढ़ा भी नहीं होगा फिर भी आप ऑन द स्पॉट जाके कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज प्लस जो आप करंट अफेयर में चीज़ें पढ़े होते हो वहां से काफी क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं नाउ कमिंग ऑन टू द एनवायरमेंट एनवायरमेंट एक ऐसा पेपर होता है क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा ये श्योर होता है बिकॉज टू थाउजेंड के बाद जब से आई एफ ओर का प्रलिम्स आई एस के प्रम्स के साथ मर्ज कर दिया गया है तब से एनवायरमेंट की वेटेज काफी बढ़ गई है तो इसमें क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल 17 प्लस आते ही हैं बट इसके रिसोर्सेज काफी स्केटर्ड है आपके पास एक शंकर की बुक है एक पी एम एफ आई एस की बुक है इसके अलावा मार्केट में और भी रिसोर्सेज हैं बट देर इज नो श्योरिटी कि आप उनको पढ़ के इसके क्वेश्चन टैकल कर लो क्योंकि इसमें बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो बहुत ऑब्सक्योर होते हैं बहुत रैंडम होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के नाम पूछता है डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज पूछता है सो दिस रैंडमनेस मेक दिस पेपर वेरी टफ टू टैकल बट इन 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन देयर आर सेवनटीन एनवायरमेंट क्वेश्चन आउट ऑफ विच आई गॉट फिफ्टीन करेक्ट दिस इज मेनली ड्यू टू थ्री रीजन द फर्स्ट वन इज पी वाई क्यू एनालिस द सेकेंड वन इज की अप्लाइंग कॉमन सेंस एंड द थर्ड वन इज की यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट ऑन द पेपर डे एग्जाम के दिन डी डे के दिन आपको पेपर में मेंटली प्रेजेंट होना पड़ेगा कई क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे खासकर एनवायरमेंट में कि आपको क्वेश्चन में ही उसका आंसर मिल जाएगा लेट मी शो यू ये आप क्वेश्चन देख सकते हो ये 2021 का क्वेश्चन है आई डिस्कस दिस क्वेश्चन आफ्टर अ वाइल्ड इसके साथ मैं छः सात क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा एंड विल ट्राई टू गिव यू एन आइडिया कि पेपर में क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं खासकर वैसे क्वेश्चंस जिसका हमको आइडिया नहीं होता है सो इन दिस वीडियो फर्स्ट आई विल डिस्कस दी रिपीटेड थीम्स एंड रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ एनवायरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो दी प्रोटेक्टेड एरियाज जो यू पूछता है टू नो द स्पीसीज़ कौन से स्पीसीज यू कई बार पूछता है और किस पेरीफेरी के अराउंड हमको चीज़ें प्रिपेयर करनी है एंड अपार्ट फ्राम दिस एन्वायरमेंट से और भी जो क्वेश्चन आए हैं फॉर एग्जाम्पल एक्ट्स के इंटरनेशनल कन्वेंशनस के बेसिक एन्वायरमेंट के वो हम देखेंगे सो दैट वाईल प्रिपेयरिंग फॉर दिस सब्जेक्ट यू शुड नो की विच ऑल एरिया यू हैव टू फोकस अपॉन सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पर आप देखोगे तो वेटेज दिया है दो हजार तेरह से लेके दो हज़ार बाईस तक का यहाँ पर आप देखोगे ना कहीं बीस क्वेश्चन है कहीं पच्चीस है कहीं सोलह कहीं उन्नीस ये प्लस माइनस थ्री फोर होते रहते हैं बिकॉज जोग्राफी और एन्वायरमेंट काफ़ी ओवरलैप करता है तो कुछ क्वेश्चन एनवायरमेंट के जोग्रफी में क्लासीफाई हो जाते हैं एंड वाइसे वर्सा हियर आई हैव मेड ऑल द लिस्ट लेट मी शो यू दिस इज योर ऑल इंपॉर्टेंट स्पीसीज फ्राम दी पी वाई क्यूज एंड एंड दीज आर द्वेश्चन फ्राम दी प्रोटेक्टेड एरियाज आई टेल यू कि आपको प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या पढ़ना है इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्या पढ़ना है बट फर्स्ट लेट मी कंप्लीट सम बेसिक एनवायरमेंट टॉपिक्स सी यू पी एस सी में सबसे पहले आपसे कुछ एनवायरमेंटल टर्म्स पूछता है एंड दिस यू विल गेट फ्रॉम एनी एनवायरमेंट बुक आप चाहे शंकर पढ़ो चाहे पी पढ़ो फॉर एग्जाम्पल टू थाउजेंड थर्टीन में इकोटोन्स पूछा था बेसिकली ये सारे टर्म्स एक ही क्वेश्चन से आए थे यू कैन सी हेयर बट यहाँ पे अलग अलग लिखने का मतलब यह है कि आपको चारों के बारे में पढ़ना है इसका करेक्ट आंसर इकोलॉजिकल नीश है बट डेट डजन मीन कि सिर्फ आप नीश के बारे में पढ़ोगे आपको इकोटोन्स के बारे में पढ़ना है आपको हैबिटाट के बारे में पढ़ना है आपको होम रेंज के बारे में पढ़ना है सो इकोलॉजिकल नीश हैबिटाट 2013 में इकोलॉजिकल सक्सेशन पूछा था ना आफ्टर डेट फूड चेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का 2013 में आया था 15 में आया था 21 में आया था 2015 में इको पूछा था सो वाइल स्टडी इको यू हैव टू स्टडी वट इज एनवायरमेंट वॉट इज इकोलॉजी एंड वॉट इज इको और तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है टू में पूछा था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसके साथ आपको ये भी पढ़ना है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है 2017 में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन 2018 में कार्बन फर्टिलाइजेशन 2020 में सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन 2020 में लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन और 2020 में वर्टिकल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेट मी शो यू सम समस् वॉट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आई एज्यूम कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा बट फिर भी यू you नो know कि ये एक एनवायरमेंट का क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है वो एनवायरमेंट से ही रिलेटेड होगा Uh, पहला ऑप्शन आप देखो मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड ये कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है सो इट माइट नॉट बी राइट डी देखो एसेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है तो ये भी गलत हो सकता है ना सी द बी वन कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इको सिस्टम एंड योर सी वन इज पॉल्यूशन एस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है सी मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी क्वेश्चन को देखो तो किस हिसाब से आपको सोचना है अगर आपको बी ओ डी के बारे में पता है तब आप आराम से लगा दोगे कि इसका आंसर सी है बट इफ यू डोंट नो तब आपको कैसे सोचना होता है एंड आई ऑलवेज ट्राई थ्रू माई वीडियो कि ये बताने से ज्यादा कि आपको क्या पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताना कि कैसे सोचना है कैसे पढ़ना है इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में था एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग द पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पहला ऑप्शन आपका है एंड अबिकल कोल सीम्स सेकेंड डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व एंड द थर्ड वन इज सब टेन डीप फॉर्मेशन ए बी सी डी ऑप्शन में देखो डी ऑप्शन में तीनों दिया है यहां आपको ये सोचना है कि अगर हम पहला गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं दूसरा गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं एंड तीसरा गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं मान लीजिए आप यहाँ पे ऑप्शन ए चूज करो डैट मीन कि आप थर्ड को गलत मान रहे हो तो इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजन है कि आप इसको गलत मान रहे हो उसी तरह आप सी को चूज करोगे डैट मीन आप टू को गलत मान रहे हो तो आपके पास कोई लॉजिकल रीजन है कि आप टू को गलत मान रहे हो जब तक आपके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं होगा किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्लीज डोंट एलिमिनेट इट सिर्फ तुक्के पे नहीं जाना है और इस टाइप के क्वेश्चन पे जनरली ऑल ऑफ द अबब सही होता है नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट कार्बन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो एज अ फर्टिलाइजर जैसा हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में तो इन चारों ऑप्शन में जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड फॉरेस्ट से रिलेटेड उसके सही होने के ऑप्शन ज़्यादा है बिकॉज एज यू नो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कार्बन बहुत होता है सो so, इन चारों ऑप्शन में ए ऐसा ऑप्शन है जहां पे प्लांट ग्रोथ की बात कर रहा है इसके बाद जो बाकी सारे ऑप्शन है वो उतने फिट नहीं बैठ रहे हैं सो so, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा हो सकता है आपने इसको बिफोर हैंड पढ़ा हो बट ज्यादा चांस ये है कि ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में एनकाउंटर करो सो इन दिस वे यू हैव टू थिंक नाउ द सेकेंड थीम इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इनिशियेटिव हियर इन टू थाउजेंड फोर्टीन अर्थ हार्स एन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था टू थाउजेंड फिफ्टीन है बायोकार्बन फन इनिशियेटिव 2015 में ग्रीन क्लाइमेट फंड एस डी जीज एंड देयर ऑब्जेक्टिव टू में बायोफ्यूल 2017 में बायो रेमिडिएशन टेक्निक 2018 में पेज पूछा गया था पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनमी 2018 में ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 2019 में एच हाइड्रोजन सी उस टाइम पे काफी न्यूज़ में था ये 2020 में बायोचार एंड इट्स यूज 2021 में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट स्मार्ट विलेज 2021 में ई आई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ट्वेंटी में आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड इन 2022 पोलर कोड मियावाकी मेथड बायोरग टेक्नोलॉजी बायो फिल्म ट्वेंटी प्लस इन 2022 पॉलीथाइलिन तेरेथलेट लेट मी शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न और इसीलिए पी वाई को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2015 में बायो कार्बन फंड पूछा गया या 2017 में बायो रेमडिएशन टेक्निक पूछा गया 2017 में ही बायोफ्यूल्स पूछा गया 2020 में बायोचार पूछा गया ट्वेंटी में बायो टॉयलेट पूछा गया 2022 में बायो रॉक पूछा गया एंड 2022 में ही बायो फिल्म पूछा गया सो इन एनवायरमेंट प्लीज नोट डाउन किसी भी टर्म का प्रीफिक्स बायो होगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट यू सी ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था एंड दिस क्वेश्चन केम इन 2022 ट्वेंटी यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ो सी द थर्ड वन पॉलीथालिन तेरेट एंड इन दिस क्वेश्चन यू सी विथ रिफरेंस टू पोलीथालीन तेरेट दूस सो वाइड स्प्रेड इन अवर डेली लाइफ कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट अगर आपने पीवाई को एनालाइज किया होता और आपको सिर्फ इतना पता होता की पॉलीथालिन तेरेट एक पॉलीमर है एंड बेसिकली इट इज अ पॉलिस्टर जो आप कपड़े बनाने में यूज करते हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेते पहला ऑप्शन आपका था कि इट्स फाइबर कैन बी ब्लेडेड विथ वुल कॉटन फाइबर टू री एनफोर्स देयर प्रॉपर्टीज बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है लेट मी रब दिस सेकेंड स्टेटमेंट कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दो आप एनी ए थर्ड स्टेटमेंट देखो बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इन टू अदर प्रोडक्ट्स एंड द फोर्थ वन इज आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज बाई इंसिशन विदाउट कॉजिंग एनी ग्रीन हाउस गैस इमेशन फोर्थ कितना एबजर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे इंसिशन की बात कर रहा है और साथ में ये भी बोल रहा है कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस इमेशन नहीं होगा ये स्टेटमेंट कई लेवल पे रॉन्ग है आपका सी गलत हो जाएगा बी गलत हो जाएगा नाउ थर्ड आपका सही है फ्रॉम वन एंड टू जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होगा वो है आपका वन सो दी करेक्ट आंसर इज वन एंड थ्री यू सी इन दिस स्टेटमेंट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि पॉलीथाइलिन तरफ एक पॉलीमर है एक पॉलिसटर है नाउ द नेक्स्ट थीम एनवायरमेंटल लॉज रेगुलेटरी बॉडीज गवर्नमेंट पॉलिसीज एट नेशनल लेवल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है टू थाउजेंड फोर्टीन में पूछा गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड टू थाउजेंड फोरटीन में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ट्वेंटी फोर्टीन में नेशनल गंगा रिवर रिवरवे अथॉरिटी ट्वेंटी फिफ्टीन में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ई पी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स टू थाउजेंड फोर्टीन में पूछा गया फिफ्टीन में नाइनटीन में ट्वेंटी टू में ऑलमोस्ट ही हर साल पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इसके बाद टू थाउजेंड फोर्टीन में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ट्वेंटी सिक्सटीन में ग्रीन इंडिया मिशन ट्वेंटी एटीन में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ट्वेंटी एटीन में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2019 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, 2020 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 2015, 2018, 2020, 2021 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2020 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स यहाँ पे आप देखो ये तीनों स्टेटमेंट एक साथ पूछा गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी आपको यहाँ पे ईपीए के बारे में पता होता तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ भी आप ऑप्शन में देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है ईपीए दिया गया है नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ईपीए 1986 इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ई पी सो ई इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम और मुझे काफी लोग पूछते हैं कि कोई एक्ट है तो उसके प्रोविजन को कितना डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर आप एक थम रूल याद रखो कि जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर एग्जाम्पल ई पी एक्ट इन सारे एक्ट्स को आपको डिटेल में पढ़ना होता है एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये देखना कि इन एक्ट्स के थ्रू किन बॉडीज की फॉर्मेशन की गई है नाउ द थर्ड थीम इज एनवायरमेंटल लॉज रेगुलेटरी बॉडीज एट नेशनल लेवल यहाँ पे आप देखो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट टूल ट्वेंटी टेन में आया था ग्लोबल लाइन्स ऑन स्मार्ट एग्रीकल्चर टू मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव 2017 में ट्रैफिक पूछा गया था 2017 में ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस पूछा गया 2017 में यू एन हैबिटेट इन यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम 2017 में क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन 2016 में रेड प्लस प्रोग्राम 2016 में एजेंडा 21, 2015 में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी 2015 में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 2015 में आई यू सी एन एंड साइट्स ट्वेंटी में रियो प्लस ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस एंड इससे पूछता रहता है ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू एन ई पी ओ सी डी ए डी बी वर्ल्ड बैंक एंड देर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन यूनिज ऑफ डिकले ऑन फॉरेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कॉमन कार्बोमेट्रिक एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू में यू एन एफ ट्रिपल सी इसमें आई फील ना कि शंकर ने बहुत अच्छा दिया नहीं है आप बैक पेजेस में देखोगे वो काफ़ी आउटडेटेड हो गए हैं सो इन एन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पी एम एफ लेना तो उसको आप देख लेना उसमें थोड़ा ठीक दिया है नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या फिर पॉल्यूटिंग गैसेज इन एवरी ईयर यू विल गेट टू और क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉल्यूटिंग और यहाँ पे आप सारे गैसेज के बारे में नहीं पढ़ सकते हो बट ट्राई टू स्टडी फ्यू गैसेज सो दैट क्वेश्चन उस बेसिस पे आए या फिर उससे रिलेटेड आए तो आप एलिमिनेट कर पाओ 2013 में पूछा था 2022 में एसिड रेन इन देयर कॉजेज सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था वर्बेटिम इवन 2010 में भी पूछा गया था विच ऑफ द अबव दबेज एसिड रेन नेक्स्ट एसिड रेन इज कॉज बाई पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट बाई एंड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एक्सेज ऑफ विच आर दी फॉलोइंग इन एनवायरमेंट कॉजेज एसी ड्रेन यहाँ पर आपको बस इतना भी पता होता है कि एसी ड्रेन की बात करते हैं तो मेनली हम लोग दो गैसेज की ही बात करते हैं तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा जहाँ पर दो गैसेज की बात कर रहा है टू एंड फोर डेट इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाई ऑक्साइड तो आपका बी सही है तो ऐसा नहीं है कि यू पी एस सी सारे क्वेश्चन ही टफ देता है काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी देता है जो डुएबल होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है इन 2014 कोल बेड मीथेन एंड शील गैस के बारे में पूछा था मीथेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2019 में भी पूछा था मीथेन हाइड्रेट के बारे में 2021 में पूछा था बायोजियो केमिकल साइकिल एंड 2010-2014 में कार्बन साइकिल के बारे में एंड 2018 में सल्फर साइकिल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आफ्टर दट इन टू एंड टू एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड देयर गैसेज एयर क्वालिटी इंडेक्स में जितने भी गैसेज आते हैं उनको देख लेना आप और किस किस इंडस्ट्री से निकलते हैं किस किस प्रैक्टिस से वो गैसेज निकलते हैं वो चीज़ आप देख लीजिएगा उनके सोर्स क्या है बेसिकली इन 2018 थाउजेंड ऑफ हैवी माइनिंग इन रिवर बेड वाटर पॉल्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए इन 2019 यू कैन सी गैसेस रिलीज थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सॉयल कैटल रियरिंग पोल्ट्री इंडस्ट्रीज अमोनिया नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों इंपॉर्टेंट गैसेज हैं ये नेक्स्ट गैसेज रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ बायोमास एंड इन ट्वेंटी ट्वेंटी पॉलिटेंट रिलीज बाई कोल्ड फायर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी बेंजीन पॉल्यूशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ग्रीन वॉशिंग पूछा था ये करंट अफेयर में था आपका एंड सिंपल वर्ड एसोसिएशन से क्वेश्चन हो जाता एंड दीज आर द इमार्टेंट पॉल्यूटेंट विच यू हैव टू स्टडी कार्बन मोनो ऑक्साइड एस ओ टू नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन सी एफ सी नैनो पार्टिकल मिथेन पार्टिकुलेट मैटर पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव मैंने यहाँ पे डिलीबरेटली सी ओ टू को छोड़ दिया है प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन की वेदर सो टू इज़ अ पॉलिटेंट और नॉट सो ये यू सी द क्वेश्चन जो भी यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें जो जो टर्म्स हैं जो जो, जो गैसेज हैं प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट और यही तरीका होता है एनवायरमेंट पढ़ने का एनवायरमेंट की रिसोर्स इतने स्केटर्ड हैं आप चाहे कितने बुक्स पढ़ लो तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू नो कि क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या चीज़ें छोड़नी है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोल्ड बेड मिथेन के बारे में दिया गया है तो आप इसके बारे में पढ़ो शेल गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में इसके डिपॉजिट पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं आप इसको पढ़ो नाउर आप देख सकते हो सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया था 2014 में पूछा गया है हयर यू कैन सी ये 2021 में आया था वेरी इजी क्वेश्चन पी वाई को आप किए होते तो बहुत ईजिल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं नाव कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज टू में आया था इको सेंसिटिव जोन इसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क नंदा देवी न्योरा वैली नेशनल पार्क नाम दफ़ा नेशनल पार्क आई हैवन मैंशन द ईयर बिकॉज आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है इ रिस्पेक्टिव ऑफ कि ये कब आया था सिर्फ ये नहीं पढ़ना है जो न्यूज़ में है ना उसको भी देखना एंड द बेस्ट वे टू स्टडी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज थ्रू मैप आप मैप के थ्रू देखोगे तब आप बहुत ईजिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बायोसफियर रिजर्व इनके लोकेशंस को विजुलाइज़ कर पाओगे प्लस अब क्वेश्चन सिर्फ लोकेशन पे नहीं आता है वहाँ पे क्लाइमेट कैसे हैं वहाँ पे स्पीशीज़ क्या क्या पाए जाते हैं वहां से कोई रिवर फ्लो करता है कि नहीं करता है तो ये सारे क्वेश्चन यू पी एस सी हैज़ बिन आसिंग डैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ विजुअल परसपेक्टिव ऑफ दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क सो दैट जो ये जोग्राफी जो के क्वेश्चन है आप ईजिली टैकल कर लो दीज आर द लिस्ट यू कैन पॉज एंड सी इट आप यहाँ देखो तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपको बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज में पढ़ना क्या है सबसे पहले उसका लोकेशन उसके जोग्राफिकल फीचर्स कोई रिवर पास होता है वो पढ़ना है उससे क्लाइमेटिक फीचर वहाँ पे कौन सी स्पीशीज पाई जाती है और किस बायोस्फीयर रिजर्व का वो पार्ट है एंड फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशन दी आर दी क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु स्टार्टेड इनिशिएटिव बॉडी ऑब्जेक्टिव क्या है उसका नेचर क्या है वो एन है कि है बॉडीज है कि यू के अंडर आती है और अगर वो कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एक बेसिक ओवरव्यू लेना है आपको इसके बाद वो कोई रिपोर्ट पब्लिश करती है कि नहीं करती है एंड दी नेक्स्ट इज़ कि इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है या फिर फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है now one last and very important topic and after that we will discuss uh, previous air question uh, these are the important species from previous air questions in 2013 they asked about gharial leatherback turtle and swamp deer next star tortoise monitor lizard pygmy hawk spider monkey next sea cow sea horse and sea lion and the next one is lion macaque 2014 may ganga river dolphin 2015 may dugong that is sea cow 2016 में खराई कैमल ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल 2017 में घरियाल इंडियन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड बफेलो घरियाल इसका हैबिटेट पूछा गया था 2019 थाउजेंड नाइनटीन में एशियाटिक लैन डबल हम कैमल वन हॉर्न राइनो इसके बाद ब्लू फिन महसीर इरावडी डॉल्फिन एंड रस्टी स्पॉटेड कैट सी दिस क्वेश्चन केम इन 2019 थाउजेंड यहाँ पे लेट मी जूम इट यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ के नेम दिए गए थे प्लस वो नेचुरली कहाँ मिलते हैं वो पूछा गया था यहाँ पे आप टू देखो इरावडी डॉल्फिन आपको नहीं पता होगा कि ये कहाँ पाया जाता है तब भी आपको इतना पता होना चाहिए कि इरावडी जो है वो एक रिवर का नाम है और यहाँ पे पूछा है कि नेचुरली फाउंड तो बेसिक सी बात है जब किसी डॉल्फिन का नाम उसके रिवर के नाम के साथ रखा जा रहा है सो डैट मीन कि वो उस रिवर में ही नेचुरली पाई जाएगी और इसीलिए चंबल गलत होता है आपका टू गलत होता तो आपका ए वन गलत हो जाता है बी गलत हो जाता है एंड डी गलत हो जाता है सो योर करेक्ट आंसर इज़ सी आई होप नाउ यू आर गेटिंग कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ के जाएँ बट ऑन द स्पॉट आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं डैट पेरीफरल नॉलेज यू हैव टू अप्लाई इन द क्वेश्चन बिकॉज बहुत मुश्किल है ये पढ़ के जाना कि रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में मिलता है कि नहीं मिलता है अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इट्स योर ड्यूटी कि आप महसीर के बारे में पढ़िए आप इरावटी डॉल्फिन के बारे में पढ़िए आप रस्सी स्पॉटेड कैट के बारे में पढ़िए आप गंगा डॉल्फिन के बारे में पढ़ो आप इंडस डॉल्फिन के बारे में पढ़ो नाउ इन ट्वेंटी ट्वेंटी एलिफेंट के बारे में आया था सिलोन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ बारबेट ग्रे चिन मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट ये सारे एक ही ऑप्शन में दिए गए थे एंड दिस इज करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन इन 2021 ट्वेंटी वन हेजहॉग मैरमोट एंड पेंगुलिन ये भी करंट अफेयर में था ड्यू टू कोरोना काफी न्यूज आपने सुना होगा कि पेंगुलिन चाइना में एक डेलीकेसी की तरह यूज होता है सो देट इज वाई दिस क्वेश्चन आस्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू दे आर गोल्डन महसर आपने देखा यह टू थाउजेंड नाइनटीन में भी क्वेश्चन आया था इसके बाद इंडियन नाइट जार स्पून बिल एंड वाइट फॉर इम्पोर्टेंट स्पीसीज अर्लियर आईव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्रिटिकली एंड डेंजर स्पीसीज इंक्लूडिंग बर्ड मैमल्स फिश एंड बाई गॉड ग्रेस्ट अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो इस मिस हो गए हैं सो नाओ आई एम अपडेटिंग दिस लिस्ट आई एम पेस्टिंग सम पिक्चर ऑल्सो सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दिस स्पीसीज आई हैव अपडेटेड सम ऑफ दिस स्पीसीज कुछ के मैंने पिक्चर uh, पेस्ट कर दिए हैं uh, कुछ के बाकी हैं इन अ डे और टू आई विल अपडेट दिस लिस्ट कम्प्लीटली उसके बाद आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो फॉर स्पीसीज यू हैव टू रिफर माई नोट्स दिस नोट्स एंड इसके बाद जो भी आप करंट अफेयर में पढ़ोगे नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रीवियसर क्वेश्चन ये सारे ट्वेंटी ट्वेंटी वन के क्वेश्चन हैं बिफोर सॉल्विंग इट आई want टू गिव यू वन एक्सरसाइज एंड दिस विल शो कि हाउ सीरियस यू आर हाउ डैम सीरियस यू आर फॉर दिस एग्जाम यहाँ पे टोटल छः क्वेश्चन हैं मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को पॉज करना questions को attempt करना एंड इन द कमेंट सेक्शन प्लीज राइट कि आपके कितने करेक्ट हुए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके कितने करेक्ट हुए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो एंड द रीजन आई एम चूजिंग 2021 क्वेश्चन बिकॉज uh, 2022 के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी वन का पेपर मैंने दिया था एंड आई स्कोर्ड वन वन टेन पॉइंट समथिंग एंड दी कट ऑफ वॉज आई थिंक एटी सेवन सो आई टेल यू कि एग्जाम में मैंने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया था ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्ट देखो आप मैग्नीटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो न्यूरोटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटिन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आई डोंट थिंक कोई भी बंदा मैग्नीटाइट पार्टिकल पढ़ के गया होगा बट लेट्स सी ऑप्शन क्या क्या है पहला है ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल सेकेंड ऑफ मोटर व्हीकल माइक्रोवेव विद इन होम्स फोर्थ वन इज पावर प्लांट्स एंड द फिफ्थ वन इज टेलीफोन लाइन इन पांचों ऑप्शन में आप ऑप्शन थर्ड देखो माइक्रोवेव स्टोव होम इन पांचों ऑप्शन में सिर्फ थर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे होम्स की बात की गई है अब आप बेसिक कॉमन सेंस लगाओ अगर माइक्रोवेव यूज करने से इतना ही न्यूरोटिव प्रॉब्लम होता तो कितने लोग बीमार हो गए होते क्योंकि हम लोग सालों से माइक्रोवेव यूज करते आ रहे हैं इवन छोटे छोटे बच्चे माइक्रोवेव का यूज करते हैं डैट मीन कि आपका थ्री गलत होगा यहाँ पे आप थ्री हटा दोगे तो ये गलत हो गया ये गलत हो गया ये गलत हो गया योर करेक्ट आंसर इज बी और ये कोई गैस नहीं है दिस इज प्योर कॉमन सेंस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेंटल अवेयरनेस इन एग्जाम नाउ सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूट फॉर प्रमोटिंग ऑप्शन ऑफ इसमें भी आई डोंट थिंक की आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस किसी ने पढ़ा होगा हो सकता है आपने पढ़ा हो तो यू आर लकी आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा बट मेजोरिटी ऑफ वोंट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखो यहाँ पे आर टू दिया गया है डेट मीन कि आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है जहां पे दो आर मिल जाए इसीलिए यहां पे आर टू दिया गया है यहां पे आप पहला देखोगे यहां पे आपको रिस्पॉन्सिबल मिल रहा है यहाँ पे आप रिसाइकलिंग मिल रहा है इसके बाद किसी भी ऑप्शन में आपको दो आर नहीं मिलेगा सो द करेक्ट आंसर इज ए ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ ना कि क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वॉट इज़ ब्लू कार्बन ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है ब्लू कार्बन खुद ही ये बोल रहा है कि वाटर से रिलेटेड कोई चीज़ है इन सारे क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा है जहां पे ओशन की बात की गई है कोस्टल इकोसिस्टम की बात की गई है तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू यहाँ पे चार ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं यहाँ पूछा गया है कि कौन से इसमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इन द फूड चेन ऑफ ओशन इफ़ यू स्टडी द प्रीवियस ईयर पेपर देन आपको पता चलेगा कि टू और थ्री जो है वो एल हैं और इन्हीं दोनों के बारे में मुझे पता भी था बाकी पहले और चौथे का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था सो द करेक्ट आंसर इज टू एंड थ्री दिस इज द रीजन आई टोल्ड यू कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्लस कॉमन सेंस यूज करना है एंड द थर्ड थिंग इज की यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट इन द एग्जाम नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ये क्वेश्चन भी आपका पी वाई क्यू से हो जाता बिकॉज इफ़ यू नो कि सी ऑर्स जो है वो डेटरी वोर्स नहीं है आपका इजली आ जाएगा आंसर ए गलत हो जाएगा बी गलत हो जाएगा डी गलत हो जाएगा your correct answer is c next question number 24 with reference to the new york declaration on forest which of the following statements are correct frankly speaking i had no idea key new york declaration on forest ki uh, but let's see the options it was first endorsed at the united nations climate summit in 2014 no idea second one is it endorses a global timeline to end the loss of forest the third one is it is a legally binding international declaration दी फोर्थ वन इज़ इट इज़ एंडोज बाई गवर्नमेंट बिग कंपनीज़ एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ एंड द फिफ्थ वन इज इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखा करो कि सही क्या होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है इन पाँचों ऑप्शन में जो फोर्थ वन है इट इज़ एंडोज बाई गवर्नमेंट बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कम्यूनिटीज़ ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है और कोई भी अच्छी चीज़ होगा तो गवर्नमेंट कंपनीज़ विल श्योरली एंडोर्स डैट मीन फोर्थ को आप सही मानते हो तो आपका बी गलत होगा आपका डी गलत हो जाएगा या तो थ्री एंड फोर सही है या तो वन टू एंड फोर सही है नाउ आप थर्ड स्टेटमेंट देखो इट इज़ लीगली बाइंडिंग मैंने एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट की पूरी लिस्ट प्रिपेयर की थी उसमें जो जो भी एनवायरमेंट के लीगली बाइंडिंग इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट थे उनके नाम लिखे गए थे तो मुझे याद था कि ये नाम वहां पर नहीं था तो मैंने थर्ड को एलिमिनेट किया डेट मीन आपका सी एलिमिनेट हो जाता वन टू एंड फोर आपका करेक्ट आंसर होता बाई शोइंग दिस क्वेश्चन मैं आपको दो लर्निंग देना चाहता हूँ द फर्स्ट वन इज़ कि जो भी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है उनकी आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो बहुत ज़्यादा नहीं है बीस पच्चीस होंगे क्योंकि जनरली कोई भी अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं होता है लीगली बाइंडिंग है डेट मीन इट्स एन एक्सेप्शन एंड द सेकेंड थिंग इज कि इंडिया जिन भी डिक्लेरेशन को साइन किया है ना उनकी लिस्ट आप प्रिपेयर कर लेना ये थोड़ा मुश्किल होगा प्रिपेयर करना क्योंकि बहुत से डिक्लेरेशन इंडिया साइन करता रहता है बट आप मेक श्योर sure करना कि लीगली बाइंडिंग वाला प्रिपेयर कर लेना बाकी इंडिया किन किन डिक्लेरेशन को साइन किया है वो आप करंट अफेयर में जो भी आएगा उससे प्रिपेयर कर लेना सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज होलिस्टिक एज पॉसिबल जितने भी एस्पेक्ट हैं इन्वायरमेंट को लेके मैंने कोशिश की कि मैं इसमें कवर करूँ एंड नॉट जस्ट कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं बट आपको पेपर सॉल्व कैसे करना रियल एग्जाम में आई ट्राई टू टेल यू एंड इफ़ यू हैव वॉच द कम्प्लीट वीडियो कॉन्ग्रेजुलेट यू दिस शो योर सीरियसनेस टूअर्ड देपर नहीं तो क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल थोड़ा वीडियो देखते हैं उसके बाद वो वो डाउट पूछते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में कवर किया रहता है सो इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉच दी होल वीडियो टू गेट द कम्पलीट पिक्चर एंड टू फॉर्म अ परस्पेक्टिव विच कैन बी यूज इन एग्जाम